हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है चिकन करी। आप सबको हमारे चैनल पे फिर से स्वागत है। रेसिपी चेकआउट करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जो नए दोस्त आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो दोस्तों, हमने चिकन लिया है और चिकन में सारे मसाले पाउडर डाल दिए हैं एक अंदाज करके, और साथ में डाल दिए हैं थोड़ी सी रिफाइंड ऑयल। अब हम चिकन को अच्छी तरह मैरिनेट कर लेंगे। तो लीजिए दोस्तों, हमारी चिकन अच्छी तरह मैरिनेट हो गई है। कढ़ाई में तेल गर्म हो चुकी है, हमने डाल दिया है तेजपत्ता, लौंग, इलायची और दालचीनी, और साथ में कटे हुए प्याज। प्याज को तेल में थोड़ी सी फ्राई कर लेंगे। अब बारी है डालने की कटे हुए आलू। दोस्तों, आलू को थोड़ी देर तेल में फ्राई करने के बाद अब हम डालेंगे इसमें मैरिनेट करके रखा हुआ चिकन। अब हम चिकन को भी आलू के साथ तेल में अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। अब जाएगा चिकन में अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन के पेस्ट को चिकन और आलू के साथ अच्छी तरह मिला लेंगे, अच्छी तरह थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। अब डालेंगे नमक टेस्ट के हिसाब से। अब थोड़ी देर ढक्कन से ढक के इसको पकाएंगे ताकि आलू और मीट अच्छी तरह पक जाएं। अब हमने इसमें कटे हुए टमाटर ऐड कर दिए हैं। अब बारी है ऐड करने की मसाले पाउडर्स। एक बड़ी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, दो बड़ी चम्मच गरम मसाला पाउडर, दो बड़ी चम्मच हल्दी पाउडर और दो चम्मच रेड चिल्ली पाउडर। अब चिकन को सारे मसाले पाउडर के साथ अच्छी तरह मिला लेंगे, मिक्सअप कर लेंगे। अब चिकन को मसाले पाउडर के साथ अच्छी तरह पका लेना है ताकि मसालों का कच्चापन खाने के टाइम में महसूस ना हो। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी ग्रेवी के लिए। पानी डालने के बाद अब हम इसको ढक्कन से ढक के करीब 10 मिनट तक पकाएंगे। अब हम ढक्कन खोल के इसमें थोड़ी सी हरा धनिया पत्ता ऐड करेंगे और फिर ढक्कन को ढक के थोड़ी देर पकाएंगे। लीजिए, हमारी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ा हो गई है। हमारी चिकन करी बनके तैयार। अब हम गैस का नॉब ऑफ करेंगे और सर्व करने के लिए तैयार करेंगे। दोस्तों, ये रेसिपी बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया गया है। आज की ये रेसिपी हमारी भांजी सीमा के घर में इनविटेशन था, उनके किचन में बनाया गया है ये रेसिपी। तो आप भी ट्राई कीजिए इस सिंपल सी और झटपट से बनने वाली रेसिपी को। उम्मीद है दोस्तों, आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे ऐसा ही और एक एक्साइटिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।